जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देखिए कच्चे आम से मीठी सौंठ बनाना सिखाऊंगी। आजकल आम बहुत आया हुआ है मार्केट में, छोटे छोटे पीस मैंने ये देखिए काट के रख लिए, पानी में धो के छलनी से करके। आप जब इसको काटें तो बीच का हिस्सा बिल्कुल निकाल दें, अगर वो थोड़ा सा भी रह गया तो आपकी ये कड़वी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके लिए, ये है कम से कम 300 ग्राम आम है, इसके लिए मैंने 50 ग्राम चीनी ली है, 50 ग्राम गुड़ लिया, गुड़ को मैंने थोड़ा तोड़ लिया है, आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच सफ़ेद नमक है, चौथाई चम्मच हल्दी है, एक चम्मच सौंफ पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, और ये आधा चम्मच गरम मसाला है, और ये साबुत सौंफ है। अभी हमारी कढ़ाई गरम हो गई है क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था इसको, इसको अब हम सौंफ डालेंगे, साबुत सौंफ। देखिए सौंफ हमारी क्रश हो गई है, खुशबू आ रही है सूंधी सूंधी। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे गैस को कम करके, मिर्ची पाउडर डालेंगे, सौंफ पाउडर डालेंगे, सबको अच्छे, इसमें ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। अच्छे से भुनने के बाद हम कच्चा आम डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक थोड़ा पानी छोड़ेगी ना अभी नमक डालने से, और इसको गलाएगी भी। और हम इसको ढक के स्लिप गैस पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए फिर बताती हूँ मैं आपको। देखिए हम इसको अब चलाकर देख रहे हैं, अभी आधी तैयार हुई हैं, गली हैं, अभी इसमें 5-7 मिनट का टाइम और लगेगा, इसलिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे स्लिम गैस पे बिल्कुल। देखिए अब हम इस ढक्कन को हटा के देखते हैं। देखिए ये हमारी आम के पीस सारे गल गए, देखिए मैश हो रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा गुड़ और 50 ग्राम गुड़ है, 50 ग्राम चीनी है, उसको डाल देंगे, डाल के मिलाएंगे। और देखिए आधा चम्मच गरम मसाला है, इसको भी डाल दें। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, गोला पीस भी डाल सकते हैं काट काट के। अब इसको हम खुला ही बनाएंगे, ढकेंगे नहीं अब हम। देखिए देखिए कलर देखिए इसमें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसीलिए मैंने बनाया है, कलर इसमें बहुत प्यारा आता है। हलवाई देखो लोहे की कढ़ाई ज्यादा यूज करते हैं ना ऐसी ऐसी चीजों के लिए। देखिए अब इसको बनने देंगे 5 मिनट और। देखिए हमारी मीठी सौंठ चटनी बनकर तैयार है, कितना प्यारा कलर आया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी है और हमेशा इसको लोहे की कढ़ाई में बनाइए। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और आपको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी टेस्टी और कलरफुल बनी है। इसको आप दाल की कचौड़ी, अजवाइन की पूड़ी, पराठे, किसी रोटी, किसी चीज़ से भी खाइए और आनंद लीजिए। और इसको आप 4-5 दिन तक बाहर ये ख़राब नहीं होगी, अगर आपको फ्रिज में रखनी है तो कांच के बर्तन में ठंडी हो जाए तो भर के रख दीजिए, महीनों तक चलेगी। आप आनंद लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा। नई नई रेसिपी लेने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।